Hey guys, welcome back again to the channel EcoPoint by Shubh Afzal. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट के दो पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने फीचर्स और इम्पोर्टेंस देखी है और बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग. अब हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 110% डायमेंशन का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और बहुत अच्छे से देखना है, समझना है कि इस वीडियो में से, क्योंकि केस स्टडी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. तो चलिए, कितनी डायमेंशन होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की? 5 डायमेंशन होती हैं, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. तो अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमी के अंदर होती हैं, वो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, वही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है. वो कैसे कर सकती हैं सर जी? फॉर एग्जांपल, जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है. जीडीपी इंक्रीज़ होने से गवर्नमेंट क्या होगा, वहाँ के लोगों का के पास पैसा आएगा और वो जाकर मार्केट में सेल एंड परचेज करेंगे बेसिकली. तो उससे हमारी बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. तो ये होती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. देखो, जहाँ पर भी ये टर्म आ गई ना सारी आपको, तो आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लगाना है वहाँ पर. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी. जहाँ पर भी जीडीपी से कोई वो आए, चेंजेस आए बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर कैपिटल लेवल, मनी सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, टैक्स रेट, ये कोई सा भी रेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉपुलेशन रेट, तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है. प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है. इनसे कोई भी होने वाला चेंज बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा, तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर. देखते हैं, एग्जाम्पल लाया हूँ मैं आपके लिए कुछ. ड्यू टू इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम द कंसिस्टेंट जीडीपी. देखो क्या होता है, जीडीपी अगर कंसिस्टेंट है हमारे पास, कंसिस्टेंट मीन्स स्टेबल है हमारी इकोनॉमी की, तो इससे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ आएंगी और यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, उनके पास पैसा रहता है. तो ये होता है क्या, इससे बिजनेस के, देखो जीडीपी क्या हुआ, बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इससे बिजनेस के एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ा. तो ये देखिए इकोनॉमिक एनवायरमेंट. अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. ड्यू टू ईज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइक एसी, फ्रिजेस, मोबाइल फोन, डिमांड फॉर ईच गुड हैज इंक्रीज. लोन की फैसिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो एसी भी बिकेगा, फ्रिज भी बिकेगा और मोबाइल फ़ोन भी बिकेंगे. अब आप बजाज फाइनेंसर के नाम से एक फाइनेंसर है अवेलेबल मार्केट में, जो आपको इजी इंस्टॉलमेंट पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले सकते हो. तो क्या हो गया, इजी लोन मिल रहा है. लोन का मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है वो. तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर थर्ड वाला. ड्यू टू डिक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रेट ऑफ अ इकोनॉमी आर लाइकली टू बी स्टेबल. फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है. फिस्कल डेफिसिट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की बोरोइंग कैपेसिटी. बोरोइंग कैपेसिटी क्या जी, हम जो लोग बाहर से बोरो करते हैं, कहीं से भी बोरो करते हैं, वो बोरोइंग कैपेसिटी होती है, वो फिस्कल डेफिसिट कहती है. तो फिस्कल डेफिसिट अगर कम होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा नहीं लेगी, गवर्नमेंट जो है टैक्स को स्टेबल कर देगी. तो ये होता है क्या, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है. अब जहाँ पर भी ये सारे टर्म आपको मिल जाएं, वहाँ पर आपने क्या लगाना है, आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लगाना है. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्लियर हो चुका है आप लोगों के. अब ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है और ध्यान से देना है. कभी आप सोचो कि इकोनॉमी का पार्ट है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो. सोशल इन्वायरमेंट नेक्स्ट आता है. सोशल, देखो सोशल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, सोसाइटी में रहने वाले बंदे, सोसाइटी में रहने वाले बंदों का टेस्ट, प्रिफ्रेंसेस, जब भी इफेक्ट करेगा बिजनेस के एनवायरनमेंट को, तो वो सोशल एनवायरनमेंट कहलाएगा. क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टमर बिलीफ्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, इलिट लाइफ स्टाइल, वैल्यूज एक्सेट्रा. मतलब आप लोगों के
बिजनेस के ऊपर सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से फर्क इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर का स्टेस चेंज हो गया, उसका बिलीफ चेंज हो गया, लिटरेसी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, लाइफ स्टाइल उसका चेंज हो गया है, तो उससे बिजनेस के इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल अभी भी दिया था मैंने पिछली वीडियो में, कि अगर साड़ी की डिमांड यूएसए में बहुत कम है तो साड़ी की डिमांड कहाँ पर ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। तो ये सोशल सोशल आउटलुक यहाँ का है, ट्रेडिशनल यहाँ का है, इस वजह से इस साड़ी की बिजनेस के इन्वायरमेंट पर फर्क पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यहाँ पर, देखो द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली पर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, कपड़ों की, क्रैकर्स की, ये सब की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ये इनके बिजनेस के इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डाल रहा है। ईद के ऊपर, ईद में मिठाइयों की, स्वीट्स की, कपड़ों की, इनकी बिजनेस के इन्वायरमेंट इफेक्ट पर डालेगा। क्रिसमस पर, गुरु पर्व पर, मतलब ये जितने भी फेस्टिवल होंगे, जितने भी कस्टमर बिलीफ होंगे, जितने भी सोसाइटी के बिलीफ होंगे, वो सब बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। देखिए एग्जाम्पल है आपके लिए, कुछ चेंज इन क्वालिटी लाइफ, चेंज इन क्वालिटी लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, वुमेन का इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है या कम होती जा रही है, किस चीज़ में, वर्कफोर्स में, या बढ़ती जा रही है वैसे यहाँ पे, तो बर्थ एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये सब कुछ क्या करता है, ये सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है और ये बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। इसी केस स्टडी का आपके सामने है, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल, चेंज इन एजुकेशन लिटरेसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यू फॉलोड, तो ये सब क्या होती है, ये सारी केस स्टडी में आपको जहाँ पर भी ये टर्म आ गया वहाँ पर आपको सोशल लगा देना है। केस स्टडी विद आंसर, केस स्टडी है विद आंसर, आपको एक बार देख लेनी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है ये। नंबर थर्ड, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को आपको कैसे याद रखना है, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी, जब भी पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे किसी इकोनॉमी के अंदर, वो बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। कैसे बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर पाएंगे, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी, नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कराएगी, तो उससे बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, उछल कूद हो जाएगी बिजनेस के इन्वायरमेंट पर। देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द पावर, पावर में कौन सी गवर्नमेंट है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज, गवर्नमेंट का डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के प्रति क्या एटीट्यूड है, पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेशन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट कर रही है अलग अलग पॉलिसीज को, तो वो भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। यहाँ पर एग्जाम्पल है इसके कुछ, क्रैश इन शेयर प्राइजेस ड्यू टू चेंज इन वाजपेयी गवर्नमेंट इन 1999। वाजपेयी गवर्नमेंट की में 1999 में क्या हुआ था, शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तो ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात आ रही है। देखो पीएम्स फ्रीक्वेंट विजिट इन फॉरेन कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग बिजनेस रिलेशनशिप, पीएम जो है ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, क्योंकि उनको दूसरी कंट्री से क्या करना है, अपने टर्म्स बढ़ाने हैं, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, इससे बिजनेस का इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। हैदराबाद हैज़ बिकम द आईटी हब ड्यू टू पॉलिटिकल सपोर्ट, एक हैदराबाद के ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट है, इससे वो एक आईटी हब बन गया है, तो ये बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं वो बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, वही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। केस स्टडी ट्रिक है आपके सामने, उसका जो है आपको आंसर मेरे को देना है, आंसर नंबर 4 से के नाम से, आंसर नंबर जरूर लिखना है, नहीं तो आप, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है। चलिए लीगल इन्वायरमेंट, और ये जो मैं बताता हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इसका कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आंसर दो, तभी तो मेरे को पता लग पाएगा कि कौन बच्चा ज़्यादा आउटपुट गेन कर रहा है, किसी किस बच्चे को नहीं आ पा रहा है, ताकि वो मुझसे प्रॉब्लम ले और मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊँ। चलिए लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस टू हैव एडिक्वेट नॉलेज फॉर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस को होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम में आ जाएगा बिजनेस। तो लीगल चेंजेस, लॉज एंड लेजिस्लेचर में जितने भी चेंजेस आते हैं वो हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मतलब
गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इशू कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसको करना है या फिर डीएम हमारे जो है ये हमारा डीएम जो है ये लॉ पास करने वाले हैं, तो ये क्या है, इलीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेचर, आपके कोई लॉ आया है, कोई बिल पास हुआ है, लेजिस्लेटर एक्ट पास हुआ है, तो इससे ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है जिससे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होने वाला है। कोर्ट जजमेंट, कोई भी कोर्ट जजमेंट से हमारे बिजनेस के इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, एक लॉ एनफोर्स, एक लॉ एंश्योरिंग ग्रीन डॉट फॉर एवरी वेजिटेरियन एडिबल प्रोडक्ट्स एंड रेड डॉट फॉर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। एक लॉ पास हुआ है कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर हमें ग्रीन डॉट लगाना है और जितने भी नॉन वेजिटेरियन कंटेंट है मार्केट में उस पर रेड डॉट लगाना है, इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये लॉ है तो इसलिए बिजनेस के इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डाल रहा है, तो किस डायमेंशन का पार्ट है, ये लीगल डायमेंशन का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इट इम्प्लाइज यूजिंग न्यू, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, चेंज ऑफ मेथड आएगा, हमने चेंज कर दिया है पुरानी टेक्निक से अपनी न्यू टेक्निक पर, हमने हमने जो है अपना आउटलुक चेंज कर दिया है, किसी भी चीज़ को करने का मेथड चेंज कर दिया, तो वो सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। देखो, इट इम्प्लाइज यूजिंग न्यू एंड एडवांस वे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और यूजिंग न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब हम नई मशीनरी यूज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये वाला सबसे ज़्यादा ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ एलईडी स्मार्ट स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवीज, एलसीडी टीवी ना लेकर लोग एलईडी टीवी लेना पसंद करते हैं, एचडी टीवीज लेना पसंद करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इसलिए टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट पे टिक लगा देना है आपको। पेमेंट थ्रू ई वैलेट्स पेमेंट एक्सेट्रा, आजकल जो पेमेंट चल रही है वो किसका ज़माना है, ई वैलेट के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं मार्केट में, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट लगाना है जिससे हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। केबल टीवी एडवर्सली अफेक्टेड रेडियो इंडस्ट्री, ये सब कुछ क्या होता है, ये केबल टीवी आ रहा है तो इससे रेडियो इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना तो इससे हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी की सारी पांच की पांच डायमेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो गई है आप लोगों के लिए, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉब्लम शेयर करो ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर पाऊँ। मुझे व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना रखा है हमने, उस ग्रुप में मेरे को प्रॉब्लम लो, प्रॉब्लम से पता लग पाएगा कि आप लोग आउटपुट दे रहे हो या नहीं, और कल को टेस्ट भी है आपका, याद रखना। तो चलिए, अभी आपकी आप सामने केस स्टडी है, अब इस केस स्टडी का आंसर ज़रूर देना है मेरे को, सब बच्चों को जो भी वीडियो देख रहा है इसका आंसर देखो, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये पांच पॉइंट है और पांच के पांच का आंसर जरूर देना है ताकि आप मैं ये देख पाऊँ कि आपको मेरी बात आई है समझ में या नहीं आई है। तो अब वीडियो को एंडिंग करते हैं, और वीडियो की एंडिंग में सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड टाटा बाय बाय।